नमस्कार, ब्योम टीम के पेज में फिर से आपका पुनः स्वागत है श्रीमान। जिस तरह एग्जिट पोल अन्य चैनलों पर आप देख रहे हैं, ब्योम टीवी ने भी अपने एग्जिट पोल को चलाया और आपका बड़ा स्नेह और प्यार, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। क्या कुछ होगा हेमंत सोरेन जी के साथ? जी हाँ, झारखंड के वो मुख्यमंत्री जिन्होंने कहा कि अबुआ आवास और मैया योजना के माध्यम से जो हर मैया तक हमने एक सहयोग राशि पहुंचाया, यह श्रीमान आने वाले कुछ महीनों में दुगनी कर दी जाएगी। कितना भरोसा जताएंगे लोग, अब यह जानना है। बरहेट सीट को लेकर, बरहेट सीट 2005 में अस्तित्व में आया और तब से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये भीतर खाने एक नया समीकरण तो यहां बिल्कुल नहीं दिखा। हमेशा से ये जेएमएम के खाते में ही रहे, जेएमएम का गढ़ रहा, जेएमएम की प्रणाली रही, जेएमएम का तंत्र रहा और जेएमएम के माध्यम से लोगों ने वहां जो भी सुख सक्षमता के साथ अपना विकास महसूस किया। लेकिन हमेशा एक चीज तो तय रहा वहां पे कि जेएमएम पर ही भरोसा जताया। जेएमएम पर भरोसा जताने के पीछे माननीय हेमंत जी दो बार वहां से श्रीमान जीते, 2014 से वो जीते, 2019 में भी उन्होंने जीता। इस बार 2024 में कमली आम हेमरम जी के आमने सामने खड़े हैं। बीजेपी ने एक बड़ा ट्रम्प कार्ड खेला। क्या कुछ होगा इस ट्रम्प कार्ड में, अगर आप मेरे तरफ से जानना चाहते हैं तो बहुत बड़ा विश्लेषण अभी ना करते हुए सीधी हम कहेंगे, जिस तरीके से पुराना गढ़ है, ये इस बार गढ़ वही रहने जा रहा है। जेएमएम का जो पुराना समीकरण रहा है, उस समीकरण में इस बार तो श्रीमान घी का काम किया ना, घी का काम किया। कौन सा बात हम कहेंगे, घी के काम में सबसे बड़ी बात आई अबुआ आवास और दूसरा मैया योजना। जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र बरहेट की बात आप करेंगे राजमहल में, तो आपको स्पष्ट एक चीज नजर आएगा, आज भी जेएमएम वहां के दिलों में धड़कता है, आज भी जेएमएम की नीति वहां के लोगों तक पहुंचती है। बीजेपी में हालांकि हेमब्रम जी का ट्रम्प कार्ड खेला जरूर, लेकिन गमलियाम जी कितना कुछ वहां खेल पाएंगे या कितना कुछ उन्होंने खेला और आम जनता का जनादेश किस तरह रहेगा, अभी संसा का विषय है। तो इस बार मार्क्स हम देंगे सीधा माननीय हेमंत सोरेन जी को। अब बात आती है गांडे विधानसभा का। गांडे विधानसभा श्रीमान हॉटकेक वाली बात तो इसलिए रहा कि जेएलकेएम के बड़े नेता, जेएलकेएम के बड़े नेता रिजवान जी को करवट लिया गया और करवट मारकर उनको लाया गया श्रीमान जेएमएम में। क्यों? क्योंकि माननीय हेमंत सोरेन जी की पत्नी कल्पना सोरेन जी वहीं से जेएमएम के उम्मीदवार हैं। कुछ माह पहले, 7-8 महीना पहले अभी उन्होंने वहां से जीत हासिल की। इससे पहले 2019 में सरफराज जी वहां से जीते थे, वही सरफराज जी जो राजद की राजनीति छोड़कर कांग्रेस में आए, एक बार के वो विधायक भी रहे और यहां पर सीधा इस्तीफा देने के बाद पिच पर खेलने के लिए उतरी कल्पना सोरेन जी। श्रीमान आदमियों को तो लग रहा था कि कल्पना सोरेन जी केवल विधायक बनेंगी, लेकिन जिस तरह जेल जाने के बाद उन्होंने पूरी पार्टी का कमाल संभाला, आज तो स्टार प्रचारक की बात में सबसे बड़ा नाम एनडीए की तरफ से विरोधी खेमा जोमा गठबंधन है, श्रीमान केवल कल्पना सोरेन जी का नाम आ रहा। एनडीए खेमे में हलचल है उनके भाषण को लेकर, उनके मुखर और प्रखर होने की चीजों को लेकर। तो गांडे विधानसभा के अंतर्गत क्या कुछ रहेगा, मुनिया देवी जी भाजपा की तरफ से कितना कुछ बेहतर कर पाएगी, भाजपा राजसू का गठबंधन में वहां एक बड़ा वोट बैंक तो है, बड़ा वोट बैंक तो है, लेकिन श्रीमान गांडे विधानसभा की बात करें, 2024 का उपचुनाव को ही ले ले, बहुत पीछे जाने का जरूरत नहीं है। 2024 का उपचुनाव, कल्पना सोरेन जी के विपक्ष में खड़े थे दिलीप वर्मा जी और कल्पना सोरेन जी का जो जीत का अंतर रहा, कल्पना सोरेन जी के पक्ष में 1,07,000 से ऊपर का वोट आया, एक बड़ी जीत उन्होंने दर्ज की। तो हम बिना कुछ समय गवाए यहां भी जो गांडे का सीट है श्रीमान जेएमएम के खाते में डाल दें। एक तरफ बरहेट सीट को मैंने आपको बता दिया, वो एसटी रिजर्व सीट है और गांडे से कल्पना सोरेन जी फिर निकल रही है और भीतर खाने सूत्रों से हवा तो ये भी चल रहा प्रभु, हो सकता है कहीं वो मुख्यमंत्री में उनको बना दिया जाए अगर पार्टी बहुमत में आती है तो। अब तीसरा निगाह आपका टिका होगा राजधनवार, धनवार में क्या कुछ होगा। निरंजन राय जी के करवट मारने के बाद तो भैया बाबूलाल जी बड़े परेशानी में थे, उनको एक ही चीज सता रहा था कि क्या कुछ होगा यादवों का वोट को लेकर, क्या कुछ होगा भूमियार का वोट को लेकर। लेकिन बड़े नेता आए, हेलीकॉप्टर से आए, हेलीकॉप्टर में बिठाकर ले गए और निरंजन जी मान गए, बीजेपी का छाती चौड़ा हुआ वहां और जीत के करीब अब दिख रहे हैं बाबूलाल मरांडी जी। बाबूलाल मरांडी जी का समीकरण को साधने के लिए श्रीमान निरंजन राय एक बड़ा नाम है और उनके जाने से पार्टी में थोड़ी सी नुकसान दिख रही थी, लेकिन अब आए हैं तो फिर वापसी हो सकता है राजधनवार से बीजेपी ही करेंगे। चलिए इस एग्जिट पोल में तीन ही समीकरण आज आपको रखेंगे। श्रीमान दो पूर्व मुख्यमंत्री, एक वर्तमान मुख्यमंत्री, एक पूर्व मुख्यमंत्री की बात, और जिस तरीके से कल्पना जी ने गांडे का समीकरण को तोड़ा, पीच पर खेलते हुए आज स्टार प्रचारक के रूप में अपना नाम दर्ज कराई है,
तो ये तीन सीटों में से श्रीमान दो सीट एक तरफा हम दे रहे हैं। अब जिनको जो कमेंट करना है सोशल मीडिया पर प्रभु आप कर सकते हैं, आप जिनको जो कह लें, मुझे जो कह लें, उनको जो कह लें, लेकिन एग्जिट पोल बहुत ज्यादा समीकरण में छेड़छाड़ नहीं कर सकते। यह एक अनुमानित आंकड़ा रहता है, इन अनुमानित आंकड़ों के माध्यम से ही आपके पास एक कोशिश की जाती है रखने का। बरहेट सीट फिर एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं, बरहेट सीट का समीकरण जेएमएम के खाते में रह सकता है, बड़ा नाम बड़ा छवि बड़ा चीज और हावी रहा वोटर वहां। गांडे सीट में भी हावी नहीं है कल्पना सोरेन जी, और राजदनवाल में फिर से बाबूलाल मरांडी जी का पर्चा और आम जन का आशीर्वाद उन्हें मिल सकता है। जय हिंद श्रीमान, एग्जिट पोल के माध्यम से स्पष्ट सुधा आपका बिना लंबा समय गवाए पक्ष विपक्ष की राजनीति के अंतर्गत क्या कुछ गोलबंदी रही, यह तो जनादेश का मुद्दा 23 को ही क्लियर होगा। अनुमानित आंकड़ों के साथ आपके पास रखने की एक कोशिश है, तब तक बने रहें जोहार झारखंड।